दोस्तों, आज मैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर के रियर एक्सल हाउसिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये आप दोनों हाउसिंग देख रहे हैं, ये दोनों हाउसिंग है जो ये क्लच साइड की हैं, मतलब लेफ्ट साइड की हैं दोनों हाउसिंग। इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, इनमें अलग अलग बैरिंग लगेंगे। इन हाउसिंग में फ़र्क इतना है कि इस हाउसिंग में ये बड़ा वाला बैरिंग लगेगा, इसका नंबर 6312 है, और इस हाउसिंग में जो लगने वाला बैरिंग है इसका नंबर है 6212। और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही होते हैं। बस ये है इसमें कि ये जो बैरिंग है ये टूटता बहुत कम है, और ये जो बैरिंग है ये टूट जाता है, ये बैरिंग प्ले आ जाता है, इसमें ये डैमेज हो जाता है चलते चलते। साइड ब्रेक लगाओ ना कभी खेत में अपन, तो वो टूट जाता है। ये बैरिंग बहुत ही कम टूटता है, इसमें बस लोड आने पर ये बस प्ले होता है, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। और ये जो देख रहे हैं बाहर साइड, इन दोनों हाउसिंग में एक नंबर वाला बैरिंग ही लगेगा, और उस बैरिंग का नंबर होता है 6213। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, सभी बैरिंग के बारे में मैंने बताया, तो आप लोग समझ ही जाएंगे। और ये आप लॉक देख रहे हैं, ये बड़ी साइज वाला लॉक बड़े बैरिंग वाली हाउसिंग का है, ये छोटा लॉक छोटे बैरिंग वाली हाउसिंग का है। ये जो आप देख रहे हैं ये केज है, और ये बुल पिनियन है, ये लेफ्ट साइड मतलब क्लच साइड का है लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड का केज है, ये बुल पिनियन है। ये राइट साइड के बुल पिनियन में ये कीचड़ गियर वाला सिस्टम होता है, इसलिए ये इस टाइप का होता है, और ये बंद वाला है क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, ये क्लच साइड वाला है। इस वाले केज में आप ये देख रहे हैं, ये सील बाहर से ही फिट हो जाता है, लेकिन किसी किसी मॉडल में ये इसमें बाहर से फिट नहीं होता है, तो सील चेंज करने के लिए पूरा गियर बॉक्स खोलना पड़ता है, तब अंदर से ये सील फिट होती है, इसमें ये डिफरेंस होता है।